फिबोनाची सीरीज़ प्रोग्राम बनाने के लिए सी लैंग्वेज में हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसका एक लॉजिक देखते हैं कि फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है। ज़ीरो, फिर वन आता है, ज़ीरो प्लस वन वन होता है, वन प्लस वन टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस थ्री एट एंड सो ऑन। तो इस सीरीज़ को प्रिंट कराने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं टी वन। एक तो हमने टर्म वन दे दी और एक हम टर्म टू लेते हैं इस तरीके से। टर्म वन में हम ज़ीरो असाइन करेंगे और टर्म टू में हम वन असाइन करेंगे। टर्म वन में हमने ज़ीरो किया, टर्म टू में हमने वन असाइन करा। इससे क्या होगा कि जब हम टर्म वन को प्रिंट कराएंगे तो ज़ीरो प्रिंट होगा, फिर हम टर्म वन में टर्म टू को ऐड कर देंगे, ज़ीरो प्लस वन वन। तो टर्म टू का आउटपुट हम नेक्स्ट स्टेज में काम में लेंगे। इसके लिए हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आई यूज़ किया तो हमें आई को इनिशलाइज डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ डिक्लेयर भी कर दिया। अब लूप के लिए हमें, अगर मान लीजिए 10 सीरीज तक इसको लूप को चलाना है, तो हम लेस देन 10 तक लेंगे और आई प्लस प्लस। इसके बाद फॉर लूप की बॉडी, और फॉर लूप में हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट एफ करा देंगे। T1, अब जैसे T1 को हमने प्रिंट कराया तो यहाँ पर आउटपुट 0 आ जाएगा। अभी तो हमने और कुछ नहीं कराया तो 0 ही 10 टाइम्स आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर T1 में T1 प्लस T2 को हम स्टोर कराएंगे। एक और वेरिएबल लेंगे हम T, जैसे जस्ट जो कि नेक्स्ट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, और जो कि दोनों का सम होगा वो हम नेक्स्ट वेरिएबल को में वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें चाहिए कि जो वैल्यू एक बार 0 को रिप्रेजेंट कर रही है T1, एक बार लूप रिट्रेट हो जाने के बाद ये वाला वेरिएबल नेक्स्ट वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि 1 0 हट जाएगा, नेक्स्ट वाले लूप में यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद वाले लूप में यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, T1 में T2 को असाइन करना पड़ेगा। इसको करने के बाद हमें, अब आपने क्या किया है, T2 को T1 में स्टोर करा दिया, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले T1 में 0 प्रिंट हो गया, यहाँ पे हमने जब प्रिंट कराया था तो T1 0 प्रिंट कर रहा है। T1 प्लस T2 0 प्लस 1 1 क्या है T2 में, तो 0 प्लस 1 1, T में क्या आ गया 1। तो हम अब इस T को आगे यूज़ करेंगे, T2 को T में स्टोर करा देंगे, टी की वैल्यू T2 में स्टोर करा देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि T1 प्लस T2 का जो सम आया था वो T2 में स्टोर हो जाएगा, और इससे पहले हमने T2 को T1 में असाइन कर दिया था, जिससे कि ये वैली फर्स्ट वैल्यू हट के अब केवल 1 और 1 रह जाए, और 1 और 1 का सम जो होगा वो 2 होगा, तो जो कि T में आ गया, और ये T हम T2 में असाइन कर रहे हैं। इसका आउटपुट एक बार देखते हैं, टी को और अपने को डिक्लेयर करना पड़ेगा। प्रिंट एफ, प्रिंट में एफ और लगाना है अपने को। ये देखिए आउटपुट 0 1, फिर 0 प्लस 1 1, फिर 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 सो 1।
तो ये आउटपुट आपका आ गया 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21, और 21 प्लस 13। इसी को और बेहतर रूप से देखने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर में अपन यहाँ 3D लगा देंगे, जिससे कि ये 3 का स्पेस पे प्रिंट होगा इसी तरीके से। जैसे ये रहा, दो स्पेस छोड़ी फिर एक वेरिएबल, एक वैल्यू प्रिंट हुई, फिर दो स्पेस छोड़ी फिर एक वैल्यू, यानी कि तीन स्पेसिंग में ये वैल्यू प्रिंट हो रहा है, तीन स्पेस लेके एक वैल्यू प्रिंट हो रही है। अब हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि ये एन टाइम्स प्रिंट हो, तो उसके लिए हम एक और वेरिएबल ले लेंगे, एन इक्वल्स टू मान लीजिए 15, हमें 15 टाइम्स तक ये सीरीज प्रिंट करानी है। तो हमें क्या करना होगा, बहुत छोटा सा चेंज करना होगा, यहाँ पे लेस देन एन कर देंगे अपन। ओके, तो अभी 15 सीरीज तो चला गया। अब इसमें अपने को जब बड़ी टर्म जाती है तो अपने को और 4D 5D आप यूज़ कर लीजिए और आपका आउटपुट आ जाएगा। जैसे कि अपन 5D के स्पेसिंग से चाहते हैं तो इस तरीके से ये आउटपुट आ जाएगा। और आपको इसे जेनरिक प्रोग्राम बनाना है तो आप इसमें स्कैन ऑफ करके इनपुट करा दीजिए। एन की वैल्यू इनपुट ले लेगा। अब एन की इनपुट लेने के लिए अपन यहाँ से एन की वैल्यू हटा देते हैं, यहाँ से इनपुट करवा देंगे। तो इससे पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा देते हैं, इस तरह से आपसे वैल्यू मांगेगा। तो आपने माना कि भाई 4 टाइम्स ही हमें 4 टर्म्स ही चाहिए, तो हमने 4 इनपुट किया तो ये केवल 4 सीरीज तक ही प्रिंट करेगा। तो ये आपका एक जेनरिक प्रोग्राम भी हो गया इसमें। तो फिबोनाची का सीरीज इसी तरीके से बनाया जाता है। और आप इसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए आपने 15 किया तो 15 टाइम्स तक आपको ये सीरीज कर देगा। ठीक है।